बड़ी खबर यही है कि थोड़ी देर में थम जाएगा पांचवें चरण का शोर। चुनाव प्रचार के लिए बचा आखिरी एक घंटा। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट ऐसी हैं जिस पर चुनाव होने वाला है। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में कई दिग्गज जो कि चुनावी मैदान में हैं। सबसे दिलचस्प अमेठी और रायबरेली का दंगल हो जाता है। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, रायबरेली से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल हो, ये तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला होने वाला है पांचवें फेज में। इसके अलावा बिहार की बात करते हैं तो चिराग पासवान की साख दांव पर लगी हुई है और ऐसे तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला आम जनता करने वाली है। 695 उम्मीदवार जो कि सियासी मैदान में 20 मई को 49 सीटों पर वोटिंग होने वाली। और सबसे दिलचस्प कि जिन सीटों पर वोटिंग होगी 2019 में अगर उसके परिणाम को हम देखें तो सिर्फ एक सीट जिस पर कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली थी, लेकिन इस बार दोनों दलों के लिए अपने आप में ये जो चुनावी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से जोर आजमाइश की लगातार कोशिशें अलग अलग जगहों से। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है, दिल्ली से अक्षय राय ने मुझे ज्वाइन किया। इसके अलावा मुंबई से अभिषेक शर्मा मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अस्मित सिन्हा ने पटना से हमें ज्वाइन किया है। धनंजय मंडल इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी रांची से मौजूद है। सबसे पहले अक्षय आप ही के पास आते हुए, हालांकि दिल्ली में तो 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है, लेकिन असल में जो लड़ाई है वो यही है कि दिल्ली तक कौन दल कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से पांचवें चरण को आप देख रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सत्ता की दौड़ है, दिल्ली पहुंचने की लड़ाई लगातार आगे बढ़ रही है और पांचवें चरण का मतदान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर देखें तो 49 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में दबदबा बनाए रखा था, लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग हो रहा है। कांग्रेस उस समय अकेले लड़ रही थी, इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी है और इंडिया गठबंधन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है और इस बार का समीकरण कुछ अलग हो जाता है। हालांकि पिछली बार 2019 की बात करें तो रायबरेली की सीट जरूर कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा से चुनाव उन्होंने जीता और वो राजस्थान से आई हैं, उनकी जगह पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी निःशुल्क से प्रतिष्ठा दांव पर है और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं जो यूपी सरकार में मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वहां पर एज फैक्टर में है, लेकिन कहते हैं कि 4 जून को वो फैसला होगा, मतदाता 20 तारीख को मतदान करेंगे। इसके अलावा स्मृति ईरानी की किस्मत भी दांव पर है, क्योंकि पिछली बार लगभग 50,000 वोटों से वो राहुल गांधी से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उनके सामने किशोरी लाल शर्मा हैं जो गांधी खानदान के लगभग 40 साल से करीबी हैं और वो डेरा डाल दिया है, लुधियाना के रहने वाले हैं और उन्होंने अमेठी और रायबरेली को अपना स्थान बनाया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह लखनऊ में पिछली बार जीते थे, हालांकि राजनाथ सिंह लगातार सीटें बदलते रहे हैं, लेकिन इस बार भी वो लखनऊ में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने रविदास मल्होत्रा और सर्वर जो बीएसपी उम्मीदवार हैं उनके सामने चुनौती जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि कहते भी हैं कि दिल्ली तक का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अभिषेक शर्मा का रुख कर लेते हैं, मुंबई से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। और अभिषेक, 13 लोकसभा की सीटें जिसमें 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 2019 के नतीजे बताते हैं कि एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, शिवसेना को तब 7 सीटें मिली थी और बीजेपी को 6 सीटें, इस बार का गणित वहां पर कैसा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इस बार का गणित कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी के लिए या फिर कहीं शिवसेना यानी जो एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको पता है इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी 3 दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं एनडीए एक साथ 3-4 दल चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, जिसमें कि अजीत पवार की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, बीजेपी की बात करें, एक तरफ एनडीए है वहीं सपोर्ट कर रहे हैं राज ठाकरे, एक तरफ शरद पवार हैं, एक तरफ खुद यहां पर उद्धव ठाकरे हैं, उसके अलावा कांग्रेस है। तो तीनों बड़ी पार्टियां अलग तरीके चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर सी बात है इस बार का मुकाबला कहीं कहीं आमने सामने का मुकाबला है। जो पहले जो कह सकते हैं 2019-14 में जो माहौल था वो माहौल इस बार उतना एक तरफा दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ जिस तरीके से आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शिवाजी पार्क में उन्होंने बड़ी रैली की और उस रैली के बाद कहीं कहीं माहौल बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि जब जहां जहां वो सब जाते हैं कहीं कहीं वहां की फिजा बदल जाती है। अस्मित सिन्हा का रुख कर लेते हैं, पटना से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अस्मित, 5 लोकसभा की सीटें जिसमें 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, लेकिन अहम ये कि
एक विरासत की जंग भी है, चाहे वो चिराग पासवान के लिहाज से बात कर ली जाए या फिर रोहिणी आचार्य के लिहाज से। नहीं, बिल्कुल विरासत बचाने की जंग है इस बार प्रिया, और 5 सीटों पर चुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां पर दिग्गजों की जो है इस बार प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक तरफ LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी भी चुनाव लड़ रही है, रोहिणी आचार्य चुनावी पारी की आप कह सकती हैं कि शुरुआत कर रही हैं। बहुत जगह यहाँ इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबले टक्कर की होने वाली है। और राजीव प्रताप रूडी, सबसे खास बात यह है इस चुनाव में, 5वें चरण में बिहार के अंदर, कि देखिए इस बार NDA के कई सांसद जो हैं वो हैट्रिक लगाने वाले हैं। चिराग पासवान अगर जीतते हैं तो वो भी हैट्रिक लगाएंगे, राजीव प्रताप रूडी जो छपरा से सांसद हैं वर्तमान सांसद वो भी जीतते हैं तो हैट्रिक होगी उनकी। इधर इंडिया गठबंधन से भी जो है मुजफ्फरपुर से, भले ही BJP ने इस बार टिकट काटा था अजय निषाद का, लेकिन वो मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला बहुत रोचक है, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ऐसे जगहों पर खुद चुनाव प्रचार किया था और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा था। 5वें चरण के लिए जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं उनके बीच सीधा टक्कर होना है। छपरा का हॉट सीट जो है वो सबसे ज़्यादा खास माना जा रहा है। छपरा में लड़ाई रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी जो वर्तमान सांसद हैं उनके बीच होनी है। रोहिणी आचार्य वही जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया था और लालू प्रसाद यादव ने बड़ी सभा में, नतीजे कैसे आते हैं 4 जून को ऐलान हो जाएगा। मैं धनंजय मंडल का रुख करूंगी रांची से, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, इन तीनों सीटों पर चुनाव होने वाला है। धनंजय, पिछली मर्तबा BJP ने जीत हासिल की थी, इस बार PM खुद पहुंचे BJP प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन की अपील करते हुए, किस तरीके का समीकरण है? अन्नपूर्णा देवी की भी सीट इसमें शामिल है। देखिए प्रिया, तीनों सीट BJP के गढ़ रहा है और तीनों सीटें, चाहे हजारीबाग की अगर बात करें, मनीष जायसवाल BJP के विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है, वो BJP का गढ़ रहा है वहाँ। लगभग पिछले चुनाव की बात करें तो 4 से 5 लाख वोटों के अंतरों से BJP वहाँ चुनाव जीतते आई है। अगर हम कोडरमा की अगर बात करें तो वहाँ पे BJP का भी वो गढ़ रहा है, और पिछले 2 चुनावों से अगर बात करें तो जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी जीते हुए ये BJP के सीट से, और वहाँ पे भी बड़ी अंतरों से सीट वहाँ पे जीती है। लेकिन इस बार जो JMM इंडिया गठबंधन मालेक सीट से उनको उतारा गया, विनोद कुमार जो बगोदर के विधायक हैं उनके साथ उनकी टक्कर है। और तीसरी सीट की अगर बात करें, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में अभी दोनों प्रत्याशी नए हैं, कालीचरण सिंह जो BJP के उम्मीदवार बनाए गए और दूसरे KN त्रिपाठी है, दोनों नए उम्मीदवार हैं। और लोकल वर्सेस बाहर का वहाँ पे चतरा में माहौल था तो